मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है बीजांड, इसे कभी कभी घुमा फिरा के भी पूछ लिया जाता है, जैसे प्रारूपिक बीजांड या फिर आवृत बीजी बीजांड, तो बात एक ही है। तो आज हम जानेंगे बीजांड के बारे में, जो कि मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो आप इसका चित्र बना लें, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे इसकी थ्योरी को। पेपर में आपसे ये पूछा जाए कि बीजांड की संरचना बताइए या बीजांड पर टिप्पणी कीजिए या बीजांड के बारे में बताइए, तो मतलब बात एक ही है और आप इसी चीज़ को करेंगे। तो हम जानेंगे, सबसे पहले आप चित्र बनाएंगे, इसके बाद हम जानेंगे इसकी थ्योरी को। ये थ्योरी काफ़ी आसान है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, अब क्या है, जो बीजांड होता है वो या तो गोल होता है या अंडाकार होता है। तो आप बोल देंगे जो बीजांड है वो गोल या अंडाकार होता है। अच्छा, बीजांड, इसमें बीजांड जो होता है इसमें बीजांड द्वार भी होता है। अब इस बीजांड द्वार को अगर आप छोड़ दें, यहाँ पे क्रॉस का मतलब है, अगर आप बीजांड द्वार को छोड़ दें तो बाकी का जितना भी बीजांड होता है वो चारों ओर से दो परतों से घिरा होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि बीजांड द्वार को छोड़ करके बीजांड के चारों ओर का भाग दो परतों से घिरा होता है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि बीजांड गोल या अंडाकार होता है, बीजांड द्वार को छोड़कर बीजांड चारों ओर से दो परतों से घिरा होता है, परंतु कुछ पौधों में ये एक ही परत होती है या कुछ पौधों में परत सिर्फ एक होती है, इस तरह से आप बोल देंगे। अच्छा, बीजांड का जो मुख्य भाग होता है उसे बीजांडकाय कहते हैं। तो क्या बोल देंगे आप कि बीजांड के मुख्य भाग को बीजांडकाय कहते हैं। और जो बीजांडकाय होता है, जो पूरी तरह से जब विकसित हो जाता है या पूरी तरह से विकसित वाला बीजांडकाय जो होता है उसमें भ्रूणकोश स्थित होता है। तो आप बोल सकते हैं कि विकसित बीजांडकाय में भ्रूणकोश स्थित होता है। जो पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं बीजांडकाय, जो पूरी तरह से विकसित होते हैं, उन बीजांडकायों में भ्रूणकोश स्थित होता है। अब ये जो भ्रूणकोश स्थित होता है, इस भ्रूणकोश को हम मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, जो भ्रूणकोश स्थित होता है इस भ्रूणकोश को हम मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। बहुत ही ईजी सी थ्योरी है। क्या थ्योरी है, बीजांड या तो बीजांड गोल या अंडाकार होता है, बीजांड द्वार को छोड़कर के बीजांड चारों ओर से दो परतों से घिरा होता है, परंतु कुछ पौधों में ये सिर्फ एक ही परत से घिरा होता है। बीजांड के मुख्य भाग को बीजांडकाय कहते हैं और विकसित बीजांडकाय में भ्रूणकोश स्थित होते हैं। भ्रूणकोश को हम मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी सी थ्योरी है। इसमें आप इसके आकार को बताएंगे, ये बताएंगे कि ये कितनी परतों से घिरा होता है, इसके बाद में इसके मुख्य भाग को बताएंगे, फिर इसमें भ्रूणकोश के बारे में बताएंगे। तो ये था आधा एक पार्ट है, इसे आप कर लेंगे, इसके अंदर थ्योरी है। मैंने इसे अलग अलग इसलिए किया है ताकि आप लोग इजीली से समझ सकें, ठीक है। तो पहले पार्ट की थ्योरी है, बीजांड गोल या अंडाकार होता है, बीजांड द्वार को छोड़ करके बीजांड चारों ओर से दो परतों से घिरा होता है, परंतु कुछ पौधों में एक परत ही होती है। बीजांड के मुख्य भाग को बीजांडकाय कहते हैं और विकसित बीजांडकाय में भ्रूणकोश स्थित होता है, जो कि मादा युग्मकोद्भिद होता है, ठीक है। बड़ी आसानी से आप इसे लिख देंगे। अब हम देखेंगे दूसरा हिस्सा। तो जो भ्रूणकोश होता है उसमें तीन कोशिकाएं स्थित होती हैं, ये कोशिकाएं मिलकर के अंडोपकरण बनाती हैं। तो क्या बोल देंगे कि भ्रूणकोश में तीन कोशिकाएं होती हैं जो मिलकर अंडोपकरण बनाती हैं। तो भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं स्थित होती हैं, तीन कोशिकाएं स्थित होती हैं और ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, अंडोपकरण बनाती हैं। मध्य में जो बीच वाली जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, बीच में स्थित कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है, इसे अंड कोशिका कहते हैं। और जो बाकी की दोनों कोशिकाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। तो सीधी बात है कि भ्रूणकोश में तीन कोशिकाएं स्थित हो, तीन कोशिकाएं मिलकर अंड उपकरण बनाती हैं। मध्य में स्थित सबसे बड़ी कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं, बाकी दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। क्या बोल देंगे, भ्रूणकोश में तीन कोशिकाएं स्थित होती हैं और ये मिलकर अंडोपकरण बनाती हैं। मध्य वाली सबसे बड़ी कोशिका को अंडकोशिका कहते हैं, या आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका को अंडकोशिका कहते हैं, बाकी दोनों कोशिकाओं को हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम ये बताते हैं कि भ्रूणकोश में जो कोशिकाएं हैं उनके बारे में। अब हम देखेंगे आगे। तो बीजांडकाय
बीजांड का जो है वो एक ब्रंद द्वारा बीजांडासन से जुड़ा रहता है। जो हमारा बीजांड है वो एक ब्रंद के ब्रंद से बीजांडासन से जुड़ा होता है। ठीक है, जो हमारा बीजांड है वो एक ब्रंत द्वारा हमारे किससे बीजांडासन से जुड़ा रहता है। और जो हमारा बीजांड ब्रंत, और इसे हम बोलते हैं बीजांड ब्रंत। ठीक है, एक बात आप याद रखिएगा कि जो हमारा बीजांड है एक ब्रंत द्वारा, जो हमारा बीजांड है वो एक ब्रंत द्वारा हमारे बीजांडासन से जुड़ा रहता है, इसे हम बीजांड ब्रंत कहते हैं। बीजांड एक ब्रंत से जुड़ा होता है, बीजांड एक ब्रंत द्वारा बीजांडासन से जुड़ा होता है, इसे हम बीजांड ब्रंत कहते हैं। अच्छा, जिस स्थान पर जुड़ा रहता है या जुड़े हुए स्थान को हम बोलते हैं हाइलम। जिस स्थान पर जुड़ा रहता है या जुड़े हुए स्थान को क्या बोलते हैं हम, हाइलम। जुड़ा हुआ स्थान हाइलम कहलाता है। और बीजांड का जो है वो एक आवरण से घिरा होता है, इस आवरण को हम निभाग कहते हैं। अब जो बीजांड है वो पूरा का पूरा पोषण बीजांडासन से पाता है। बहुत ही इजी थ्योरी है, आप बोल सकते हैं बीजांड एक ब्रंत द्वारा बीजांडासन से जुड़ा रहता है, जिसे बीजांड ब्रंत कहते हैं। जुड़े स्थान को हाइलम कहते हैं। बीजांड काय एक आवरण से घिरा होता है, इसे हम निभाग कहते हैं। बीजांड बीजांडासन से पोषण प्राप्त करता है। बीजांड जो है वो सारा का सारा पोषण जो है वो बीजांडासन से प्राप्त करता है। मैं इसे एक बार और रिवाइज कर देता हूं ताकि आप सही क्लियर कर लें। बीजांड एक ब्रंत से बीजांडासन से जुड़ा होता है, या बीजांड एक ब्रंत द्वारा बीजांडासन से जुड़ा होता है, इसे हम बीजांड ब्रंत कहते हैं। जिस स्थान पर जुड़ा होता है या जुड़े स्थान को हम हाइलम कहते हैं। और बीजांड काय के चारों ओर एक आवरण होता है, जो बीजांड काय था हमारा यहाँ पर, इसके चारों ओर एक आवरण होता है, इसे हम निभाग कहते हैं। और बीजांड जो है वो बीजांडासन से पूरा का पूरा अपना पोषण प्राप्त करता है। तो यहाँ पे सीधा बस यही है कि बीजांड का आकृति कैसी होती है, फिर इसके बाद में जो भ्रूण कोश है उसके अंदर कोशिकाओं की बात है, फिर इसके बाद में इसके छोटे छोटे भाग हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और काफ़ी ईजी भी है। इसे आप एक बार इस तरह से लिखें जैसे मैंने लिखा है, इसके बाद इसकी थ्योरी को अपने दिमाग से बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये जो है बीजांड यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद जानेंगे हम और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में।